This is Balsamand Lake. Oh wow. Now everyone told me कि हाँ हम साथ साथ की शूटिंग हुई थी. So we are in a train. हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब लोग. वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट. तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं और निबिन जो मुझे जोधपुर के कैफ़े में मिला था, हम दोनों निकल जाते हैं जोधपुर एक्सप्लोर करने. उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज आप देखने वाले हो जोधपुर की लेस एक्सप्लोर डेस्टिनेशन बालसमंद लेक और हिस्टोरिकल मंडोर गार्डन्स. लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. वन थिंग विच इज गुड इज जोधपुर में ना रोड्स आर वेरी गुड, एक भी गड्ढा नहीं मिला. पता नहीं भाई गूगल मैप कहाँ से लेके जा रहा है. लेक का रास्ता यही है. हाँ, लेक का यही है. ओके ओके okay. चलो चलो ले. ओह माय गॉड. सो वाइल गोइंग टू मंडोर गार्डन जा रहे थे हम, एंड वहाँ पर एक हमको बोर्ड दिखा, साइन बोर्ड, जहाँ पर लिखा था लेफ्ट में बालसमंद लेक. वी केम हियर नॉट हमारी किराए की स्कूटी जो हमने मात्र 300 रुपये में ली है. तो बोर्ड लगे हुए, ऐसा कोई बारगेनिंग नहीं करी. जोधपुर में हर जगह बोर्ड लगे हैं, स्कूटी ऑन रेंट फॉर 300 रुपीज़. Just look at this place. So we are in the mines. Basically यहाँ पर stone को काट दिया गया है और हम वहाँ खड़े हैं. And here we are. This is Balsamand Lake. रिसर्च करने पर पता चला कि यहाँ पर सैंडस्टोन की माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है और ये यहाँ पर इलीगली अभी भी हो रही है. भाई एक स्टेप रखा हुआ, देखो काले जूट हो गई, क्या वाइट सैंड, वॉज प्योर वाइट सैंड. कौन सी जगह है यहाँ, बोल रहे हम साथ साथ है की शूटिंग हुई है. भाई ये भी कहाँ कहाँ से ढूंढते जगह. बालसमंद लेक को 1159 में बालक राव प्रतिहार ने बनवाया था, जो यहाँ पर एक रिजर्वायर का काम करती थी मंडोर को पानी प्रोवाइड करने के लिए. और बाद में यहाँ पर बालसमंद लेक पैलेस बनाया गया, जो एक तरह से एक समर पैलेस का काम करता था लेक के किनारे. So right now we are on the top of this cliff near Balsamand Lake. So we followed this route. वहाँ हमारी स्कूटी खड़ी है. There the sun is about to set. And look at this view. Amazing. So I think that place somewhere I've not watched हम साथ साथ है movie. बट एवरी वन टोल्ड मी कि हाँ हम साथ साथ है की शूटिंग हुई थी. सो देर लॉट ऑफ प्लेसेज इन जोधपुर जहाँ हम साथ साथ है की शूटिंग हुई थी. एंड आई थिंक दैट वॉज द टाइम वेन
दैट ब्लैक बक इंसिडेंट हैपन, वो इधर ही पास में है 25 किलोमीटर दूर. सो इफ़ यू वॉच द मूवी डू कॉमेंट कि कौन सी जगह है यहाँ पर शूटिंग हुई है, इफ़ यू कैन फिगर इट आउट. ओके, सो दिस इज अ गुड स्पॉट वेन इन जोधपुर, आप यहाँ आ सकते हो, बट आई रिकमेंड नॉट टू कम अलोन ऑब्वियसली. दिस इज इन द रूइंस बेसिकली, ये पूरा दूर दूर तक माइंस है, कुछ भी नहीं है. तो नो वन कम्स हियर, वी हैव जस्ट फाउंड कपल ऑफ मेन एंड एक फादर और डॉटर, दे वर कमिंग. मैं तो खैर नहीं जा पाया, लेकिन अगर हो सके तो आप बालसमंद लेक पैलेस जरूर जाना. ये जिंदगी के चक्कर और इसके सपने बड़े ही अजीब हैं. पहले सोचते थे जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे एकदम वाइल्ड एंड फ्री, मगर जब बड़े हुए तो जिम्मेदारियां कंधे पे लिए जिंदगी के दायरों में ही घूमते रहे हम मुसाफिर. तो अब लगता है कि जब बड़े नहीं हुए थे शायद तभी ज्यादा अच्छे थे. तो सनसेट हो गया है और अभी नाउ वी आर गोइंग बैक. तो अब है टास्क, यहाँ से जाना है दिस इज गोइंग टू बी द टास्क नाउ. चलो बाय बाय. Wait, welcome. It was. Chalo. Time to go to Mandor Gardens. So this is the actual location. सो नाउ वी एंटर्ड मंडोर गार्डन्स, आ गए हम, जो कि सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर की दूर पर है. तो यहाँ पर हमने लेज़र और लाइट शो का टिकट लिया है, लोग उसी के लिए आते हैं मेनली. तो वी केम बिफोर 6:30, बट बिकॉज हमारे निबिन भाई हैं उनको हिंदी में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, सो वी बॉट द इंग्लिश वन दैट इज़ गोना स्टार्ट एट 7 PM. तब तक थोड़ा हांटते हैं, घूमते हैं, देखते हैं भाई क्या है. तो एक तो ये है. So one thing I have to tell you guys is that Jodhpur is not just about Mehrangarh Fort. बहुत सारी जगह हैं जोधपुर में जो आप घूम सकते हो, and actually they have maintained it pretty well. चाहे वो जसवंतवाड़ा हो, चाहे ये जगह हो, अभी तक it looks amazing. And or else there are other places like Umed Bhavan Palace, many which ways is the property of the king. So we are in a train and this train is not on the railway track but in the Mandur Gardens. Hello.
पर काला गोरा भैरू जी का मंदिर है। और क्या हुआ, एक स्टेशन आ गया भाई, मेरे को मामा बोल रहे हैं। हेलो, हाय, मेरे को मामा कैसे पता? क्योंकि मामा की पर्सनैलिटी आपसे मिलती जुलती है। अरे क्या बात, तो अंकल बोल रहे हैं कि उनके मामा मेरे से मैच करते हैं पर्सनैलिटी शक्ल वक्ल, तो इसलिए शी इज कॉलिंग मी मामा। तो अभी हिंदी में चल रहा है, वी गोना कम बैक जब इंग्लिश में होगा, बिकॉज निबिन इज देयर, ही वोंट अंडरस्टैंड हिंदी, तो इसके लिए यहाँ पर यू कैन गेट दिस दिस कैंटीन इज देयर, यहाँ खाने पीने का भी ऑप्शन है। बहुत ही प्यारा मेंटेन्ड है यार, बहुत बहुत एक्चुअल में इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Try elemental instrument. Nice. This is xylophone. Year 1459 से abundant. मंडोर का प्राचीन शहर राजस्थान के पर्यटन स्थल जोधपुर से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड साइट्स में से एक मंडोर गार्डन है, जो बीते युग की कहानी बताने के लिए आज भी मजबूती से खड़ा है। अब मैं आपको 25 मिनट का लाइट एंड साउंड शो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ब्रीफ में इसको समराइज आपके लिए मैं कर देता हूँ। दरअसल मंडोर एक एंशंट साइट है, जो 6th century में प्रतिहार क्षत्रिय की सीट थी। 1389 में प्रतिहार्ज ने राठौर चीफ राव चुंडा के साथ अलायंस बनाया तुगलक डायनेस्टी से मंडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और राव चुंडा का विवाह प्रतिहार की राजकुमारी से कर दिया गया, जिसमें दहेज के तौर पर उन्हें मंडोर फोर्ट मिल गया। उसके बाद 1927 में राव रणमल राठौर मंडोर के शासक बन गए। उसके अलावा वो महाराणा मोकल को सपोर्ट करने के लिए मेवाड़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, लेकिन 1933 में महाराणा मोकल की हत्या के बाद वो उनके बेटे राणा कुंभा के साथ मिलके मेवाड़ को संभालने लगे। राणा कुंभा के नाम पे राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट कुंभलगढ़ भी है। 1438 में राणा कुंभा ने पावर शेयरिंग अग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए चित्तौड़ में राव रणमल को मरवा के मंडोर पे कब्जा कर लिया। राव रणमल के बेटे राव जोधा लगभग 700 घुड़सवारों के साथ चित्तौड़ से बच मारवाड़ की तरफ निकल गए, लेकिन मंडोर पहुंचने तक उनके पास केवल 7 ही सैनिक बचे, और वो फिर मंडोर को छोड़ के वहाँ से उन्हीं चले गए जो बीकानेर के पास एक गाँव है। फिर 15 सालों तक कई नाकामयाब कोशिशें करने के बाद 1453 में राव जोधा मंडोर को वापस पाने में कामयाब हो गए। सदियों से मंडोर कई जोधपुर राजाओं की राजधानी बने, और यहाँ तक कि गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासकों सहित विभिन्न राजवंशों के कई आक्रमण भी देखे, और इसीलिए किंगडम की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए राव जोधा ने 1459 यानी 1459 में मेहरानगढ़ फोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर बनाने का फैसला किया, जिसने अगले लगभग 450 साल तक एक राजधानी का कार्य किया। Built in 1459 AD,
was witness and center of major political activities in North India. The emergence and rise of the Rathore dynasty in Jodhpur was so that was Mandur Garden. So this is the Mandur Garden, amazing light show. I think this is the best light show that I have ever seen. And the storytelling is very amazing. It's like even a 7-year-old kid would understand. That was Mandur Garden. बहुत ही प्यारी जगह है. I think this has to be on your list. If you're coming to Jodhpur ना तो यहाँ ज़रूर आओ. Like so this is one of the most recommended places I would suggest. And come during sunset so that आप यहाँ पर light show enjoy कर पाओ. So come around 5:30 would be the appropriate time. आप garden भी घूम पाओगे. You will explore in the daytime, take some photographs, and then enjoy the light show. So that starts around 6:30. So the first show happens 6:30, that is in Hindi, 7 p.m. in English. It was Nibin. How was the day? It was very good, very nice. It was a productive day. Well, at least you've gone some places otherwise. Yeah. Yeah. होता भाई जो इनको घूमने का शौक है ना उनके साथ जाओगे तो I'm saying that if you come across people who love traveling and exploring places, then definitely you'll be able to explore places more. तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको अच्छा लगा. एंड एंड टेल यू जोधपुर इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. कम टू दिस प्लेस एंड देयर लॉट मोर टू सी. मेहरानगढ़ फोर्ट, बाल समंद लेक, देन जसवंत थाड़ा वाड़ा एंड दिस प्लेस मंडूर गार्डन. ये तो आपके लिस्ट पर होना ही चाहिए. बाल समंद लेक यू कैन स्टिल मैनेज नॉट टू गो, बट दिस प्लेस हैज टू बी ऑन योर लिस्ट. So that's it. Milte hain agle video mein. Give it a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to like and share with your friends. Thank you. Bye-bye. Thank you.